और उस समय सबसे कह सकते हैं टोंक में जी। एक और बड़ी खबर है, वो भी बता देते हैं कि क्या किस जीत निकल कर आई है। गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली जा रहे हैं, फिलहाल ये अपडेट मिल रहा है। आगे आपको बताएंगे कि आगे क्या रुझान, क्या नतीजे हैं। दोपहर 3 बजे विशेष विमान से दिल्ली रवाना होंगे, ये बड़ी खबर है। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में 6 बजे बैठक है, जिसमें शिरकत करेंगे। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम और भावी रणनीति पर बैठक की जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। फर्स्ट इंडिया आपको लगातार जानकारी दे रहे, जिस तरीके से रुझान शुरुआती सामने आए थे, ये पहले ही क्लियर हो गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा विश्लेषण लेंगे, जानकारी लेंगे। और अब गजेंद्र सिंह शेखावत, गज्जू बन्ना, जिनके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी थी, वो दिल्ली जाएंगे, 3 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नरेश बिल्कुल, और जब पूरी तस्वीर साफ होगी नरेश जी, दिल्ली की वो अहम तस्वीर भी होगी जब विजयी मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि अहम बैठक है। और बैठक के बाद वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी जीत के जश्न की। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली तो जा रहे गजेंद्र सिंह शेखावत, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, क्योंकि लगातार जीत को लेकर अपडेट अब आता जा रहा है। पहले रुझान और अब परिणाम। बसेड़ी से कांग्रेस के संजय जाटव की जीत हुई है, बसेड़ी सीट भी जीतने में कामयाब रही यहां पर कांग्रेस। बसेड़ी से जीत दर्ज कर चुके हैं, बसेड़ी से कांग्रेस के संजय जाटव की जीत हुई है। यह भी अहम सीट जहां से जीतने में कांग्रेस कामयाब रही। हालांकि जो कहा जा रहा था कांग्रेस के लिए कि फॉर्च्यूनर में बैठकर जाएंगे या फिर 20 सीटर बस से ही रवाना होगी, कम से कम वो आंकड़े नहीं है। खिलाड़ी लगातार जीत जो हो रही है। चलिए एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी दर्शकों तक पहुंचा दें। लूणी से भाजपा की जीत हो गई है, जोगाराम पटेल जीत गए हैं। इन पर दाव खेला था इस बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उन्होंने जीत दर्ज की है। लूणी से भाजपा के